दोस्तों हिंदू धर्म में किसी भी पूजन व मंत्रोपचार की शुरुआत ओम के उच्चारण के साथ होती है। इसके अलावा वैज्ञानिक भी ओम के उच्चारण से निकलने वाली ध्वनि तरंगों पर शोध कर चुके हैं और आगे भी कर रहे हैं। ओम के उच्चारण के बाद मन और दिमाग शांत होने की प्रक्रिया के बारे में तो हम जानते ही हैं, लेकिन ओम के उच्चारण से आपकी कई बीमारियाँ भी ठीक हो सकती है। दोस्तों दरअसल ओम शब्द आ उ और मा अक्षर से मिलकर बना है, जिसमें आ का अर्थ है उत्पन्न होना, उ का तात्पर्य है उठना तथा उड़ना अर्थात विकास, एवं मा का मतलब है मौन हो जाना अर्थात ब्रह्मलीन हो जाना। इसका असर भी मानसिक स्तर पर आप महसूस करते हैं। आइए दोस्तों जानते हैं ओम के उच्चारण से शरीर में होने वाले फायदे। फ्रेंड्स, ओम की शक्ति केवल मानसिक रोगों को ठीक करने तक ही सीमित नहीं है, यह आंतरिक परेशानियों खास तौर से पाचन क्रिया पर सकारात्मक असर डालती है और पाचन तंत्र को सुचारू बनाए रखती है। दोस्तों अगर आप भी नींद आने की समस्या से परेशान हैं तो ओम का उच्चारण शुरू कीजिए। कुछ ही देर में आपका दिमाग शांत हो जाएगा और आप बेफिक्र होकर अच्छी नींद ले सकेंगे। दोस्तों मानसिक तनाव व मानसिक रोगों के लिए ओम का उच्चारण करना कमाल का असर करता है। कुछ समय तक लगातार ओम का उच्चारण करने पर आप पाएंगे कि कुछ ही दिन में आपका तनाव रफू चक्कर हो चुका है। ओम का उच्चारण आपके मन और आत्मा को बिल्कुल शांत कर देता है, जिससे घबराहट अपने आप ही चली जाती है। घबराहट का मतलब है व्याकुलता, और जहां शांति होती है वहां व्याकुलता कभी नहीं टिकती। दोस्तों थायराइड ग्रंथि की किसी भी प्रकार की समस्या में ओम का उच्चारण काफ़ी लाभप्रद होता है। यह आपके स्वर और गले में कंपन पैदा करता है, जिसका असर थायराइड ग्रंथि पर भी सकारात्मक रूप से पड़ता है। साथ ही साथ ओम का उच्चारण करना आपके रक्त संचार को सही करता है एवं संतुलन बनाए रखता है। ओम का उच्चारण करने से आपका ब्लड प्रेशर हाई और लो की समस्या का कभी भी सामना नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों ताजगी, जी हाँ, आलस्य को दूर कर ओम का उच्चारण मानसिक और शारीरिक दोनों तरह से आपको ताजगी देता है और स्फूर्ति का संचार करता है। इस तरह से आप चुस्त दुरुस्त भी रह सकते हैं। और अगर आप किसी भी प्रकार के काम से थकान महसूस कर रहे हैं तो आपके लिए ओम का उच्चारण दवा का काम करेगा। बस कुछ देर आँखें बंद करके ओम का उच्चारण कीजिए और आप महसूस करेंगे कि थकान नाम की चीज आपके शरीर में है ही नहीं। दोस्तों ओम का उच्चारण करने से उत्पन्न कंपन शरीर के आंतरिक अंगों को स्वस्थ रखने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह रीढ़ की हड्डी को भी मजबूत बनाता है और तंत्रिका तंत्र को सुचारू रूप से कार्य करने के लिए सहायता प्रदान करता है। दोस्तों सांस की तकलीफ और फेफड़ों से संबंधित बीमारियों पर ओम का उच्चारण सबसे अधिक प्रभावशाली होता है। प्रतिदिन ओम का उच्चारण करना उन लोगों के लिए बेहद फायदेमंद है जो सांस संबंधित तकलीफों से परेशान होते हैं। इससे आपके फेफड़े स्वस्थ व मजबूत होंगे। और आप भी दोस्तों अब आप जान गए कि एक छोटा सा काम आपके जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन कर सकता है। दोस्तों हमारा चैनल आपसे रिक्वेस्ट करता है कि आपको ओम का उच्चारण करने की आदत अपने जीवन में जरूर डालना चाहिए। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स जरूर करें और ऐसी ही रोचक जानकारियों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।